फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट हब में। अभी जो है वो विंटर सीजन जो है सो आ चुकी है, तो वही मैं आपके साथ जो है हम जो है विंटर सीजन आई है, शादियों का सीजन आया है, तो हम विंटर सीजन में शादियों में किस तरह की साड़ी जो है वो ड्रेप करके जा सकते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको 3 स्टेप में दिखाऊंगी, हम शॉल के साथ, जैकेट के साथ या हाईनेक के साथ कैसे साड़ी ड्रेप करके पार्टी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से साड़ी जो है विंटर सीजन में जो है सो साड़ी ड्रेप करती हूँ। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कॉमेंट्स करना मत भूलिएगा। और मेरी साड़ी ड्रेपिंग आपको कैसी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से साड़ी जो है वो ड्रेप करती हूँ। फर्स्ट जो है आपको कोई भी हाईनेक डाल लेनी है, आपके पास जिस टाइप की हाईनेक हो वो आप हाईनेक डाल लीजिए। तो मैंने ये हाईनेक डाल लिया है और ये मेरी कॉटन की साड़ी है, तो इसको कॉटन की साड़ी डाली है मैंने। और अब जो है मैं क्या करूंगी, अपने पल्लू के जो है वो प्लेट्स बनाऊंगी। इस तरह की हाईनेक आप डाल लेंगे, अब पल्लू के प्लेट्स बनाऊंगी मैं फर्स्ट। इस तरह से ये पल्लू के प्लेट्स बना लिए मैंने, आपको जितनी लंबी पल्लू रखनी हो वो रख लीजिए और इसको अच्छे से सेट कर दीजिए। इसको थोड़ा लूज ही रखना है, इस तरह से मैं लूज ही रखूंगी इसको थोड़ा। और आप चाहें तो यहाँ पे एक पिनअप कर सकते हैं। और जो इस तरह की बेल्ट आती है जो पतली हो आपके पास या चौड़ी हो, ये मैंने ऑनलाइन ली है, तो इस तरह की बेल्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे, इसको इस तरह बेल्ट यहाँ पे लगा देंगे। इसको इस तरह लूज रखा है मैंने। और आप गले में चोकर टाइप की जो आती है वो चोकर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरे पास ये लॉन्ग वाली है, तो ये मैं लॉन्ग इस तरह की ऑक्सीडाइज की है, ये इस तरह इसको डालूंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लुक, जो इसको आप पहन करके कोई भी शादी पार्टी फंक्शन में जो जा सकते हैं। विंटर के सीजन में हम इस तरह की साड़ी जो है ड्रेप कर सकते हैं। देखिए जो है वो मैं शॉल के साथ साड़ी ड्रेप करूंगी, तो इसके लिए आपके पास कोई भी हाईनेक हो आप हाईनेक भी यूज कर सकते हैं, या इस तरह की कोई भी टॉप हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। और इस तरह आप अपने जो है वो साड़ी की पल्लू जो है आपकी वो आपको राइट शोल्डर पे लेनी है। राइट शोल्डर पे लेकर के इसको ज्यादा लंबी नहीं लूंगी मैं, नी से थोड़ा ऊपर ही रखनी है। इस तरह से राइट शोल्डर पे जो है ये पल्लू लूंगी मैं, और यहाँ पे आप चाहे तो एक पिनअप कर सकते हैं। और इसको जो है वो मैं फ्री छोड़ूंगी, इधर फ्री छोड़ना है बैक साइड ऐसे आपको। हम जो ये शॉल है तो इस शॉल को क्या हमको लेफ्ट शोल्डर पे रखनी है, इसको लेफ्ट शोल्डर पे जैसे हम अपनी साड़ियों के फ्री पल्ले लेते हैं इस तरह इसको अपने लेफ्ट शोल्डर पे रख के, और इसका ये वाला पार्ट जो है
इसको बैक में ले जा करके टक कर देनी है आपको। और आप चाहें तो यहाँ पे एक पिनअप कर सकते हैं, तो ये इस तरह से रखेंगे। और अगर आपके पास इस तरह की कोई लॉन्ग वाली इस तरह की नेकलेस हो वो आप यूज कर सकते हैं। ये इस तरह, और चाहे तो आप बड़ी बड़ी इयररिंग ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। इस तरह आप सारी सॉल के साथ इस तरह सारी ड्रैप करके हम विंटर सीजन में जो है पार्टी फंक्शन शादी ये सब अटेंड कर सकते हैं। तो यस, अब थर्ड जो है मैं जैकेट के साथ जो है वो साड़ी ड्रैप करूंगी। तो इसके लिए आप साड़ी की ब्लाउज भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लाउज डालिए या इस तरह की कोई भी टॉप डाल सकते हैं आप। और आपको करना क्या, ये जो साड़ी की जो हमारी जो पल्लू होती है, पल्लू के जो प्लेट्स होते हैं, वो पल्लू जो है वो ज्यादा लंबी रखनी है आपको। और इसको इस तरह से अपने लेफ्ट शोल्डर पे लेते हुए इसको आगे लेकर के हम आते हैं, राइट शोल्डर से आगे लेकर के आएंगे और इसको इस तरह ऐसे। और ये इस तरह जैकेट जो है साड़ी के साथ जो है जैकेट विंटर सीजन में इस तरह डाल सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, ये जो साड़ी की जो पल्लू होती है उसको इस तरह से गले पे से घुमा करके आगे ले करके आऊंगी मैं। और इसका ये जो पार्ट है ये कॉर्नर, इसको इस तरह बैक से घुमाते हुए फिर आगे ले करके छुपा दूंगी मैं इसको। और ये इस तरह स्कार्फ की तरह जो है इस तरह हम जो है जैकेट के साथ ये सारी इस तरह जो है सो ड्रैप कर सकते हैं।